अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। देखिए भाई, वादे के मुताबिक हम फिर आपको आपकी प्यारी किताब घर बने जन्नत में मौजूद बहुत प्यारी प्यारी सुन्नत लेकर हाजिर हो गए। घर बने जन्नत की पहली सुन्नत जो सलाम के बारे में थी, यकीनन आपको याद हो गई होगी। अब जो सुन्नत हम लेकर आए हैं वो है खाने के आदाब। और आपको तो मालूम ही है के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अदब के साथ खाना खाया करते थे और उन्होंने खाना खाने के हकीमाना आदाब बताए हैं। हकीमाना आदाब क्या होते हैं भाई, ये हम आपको बताएंगे अभी आगे। तो चलिए, आज भी हम आपको दो घरों में ले चलेंगे। आप तैयार हैं? चलें। ये घर एहसन और उस्मान का है। अच्छा जी, खाना खाया जा रहा है। और ये क्या, एहसन तो लेट कर कुछ खा रहे हैं। भाई लेट कर खाना खाने से तो ठसका लग सकता है, खांसी भी आ सकती है। लेटने का मकसद तो सो जाने या कुछ देर आराम करने के हैं, तो उस वक्त तो मैदा भी आराम करता है। लेट कर खाने से खाना मैदे में नहीं जाता बल्कि खाने की नाली में ही रुक जाता है। और वो बेचारी नाली तो खाने को मैदे में पहुंचाने का जरिया होती है, बस उसका तो यही काम है। इसीलिए तो बैठकर अदब के साथ खाना खाने को कहा गया है। और उस्मान तो बड़े आराम से टेक लगाकर खाना खा रहे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो टेक लगाकर खाने को पसंद ही नहीं करते थे। आपको पता है टेक लगाकर खाना खाने से भूख से ज्यादा खा लिया जाता है, जिसकी वजह से सुस्ती आ जाती है और फिर गफलत की नींद भी आ जाती है, दिमाग भी एक्टिव नहीं रहता। और जब दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा तो स्कूल का होमवर्क भी तो ठीक से नहीं होगा। लगता है उस्मान की सारी तवज्जो कंप्यूटर के कार्टून पर है। देखो ना, खाने की मेज बिखरी हुई है, दूध का गिलास भी गिर चुका है, जो खा रहे हैं वो नीचे भी गिर रहा है। बड़ी अजीब सी बेसुकूनी है। आइए हम मात के घर चलते हैं। माशाल्लाह, कितने अदब और एहतराम के साथ खाना खाया जा रहा है। इनके घर में तो बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। हमने आपको बताया था ना कि सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाय सुकून बनाया है। अल्लाह ताला ने खाना यानी रिस्क अपने बंदों को बहुत ही प्यार से अता फरमाया है। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है, अपने खाने में दूसरों को भी शरीक कर लिया करो। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना उन्होंने फरमाया है कि जब खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। और खाना खाने की दुआ तो आपको याद ही है, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह, ए अल्लाह तेरे नाम से शुरू करता हूँ और इस खाने में बरकत अता फरमा। देखा कितनी प्यारी दुआ है। अब आपसे सवाल है, बताइए किस घर में आपको सुकून महसूस हुआ? और जिस घर में सुकून महसूस हुआ, क्या घर ऐसे ही होना चाहिए? अच्छा बच्चों, अब आप हमें इजाज़त दें, आइंदा बहुत प्यारी सुन्नत के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।